क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करने के लिए पहले इसे सिंपलीफाई करते हैं। यहाँ पे एक्स की जगह पुट करेंगे टेन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये इस तरफ आएगा तो ये टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। तो ये बनेगा वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन माइनस एक्स को पुट कर दिया हमने टेन थीटा, तो ये बन जाएगा टेन स्केयर थीटा अपॉन में वन प्लस टेन स्केयर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है कोस टू थीटा का, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, साइन की फॉर्म में चाहिए, तभी ये कैंसल आउट हो पाएगा। तो क्या करते हैं, इसे साइन में कन्वर्ट कर देते हैं कोस को, तो ये बनेगा साइन इनवर्स। हमें पता है कि एंगल पाई बाई टू पे वैल्यू चेंज हो जाती है, और इसे क्या करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रख लेते हैं, कि हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स सॉरी साइन पाई बाई टू माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। तो ये मेरे पास क्या हो गया, साइन में कन्वर्ट हो गया, साइन से साइन इनवर्स कैंसल आउट हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू बचा है पाई बाई टू माइनस टू थीटा, वाई इज इक्वल टू पाई बाई टू। क्वेश्चन हमने एक्स से स्टार्ट किया था, तो सिंपलीफाई करके भी एक्स में लेके आते हैं, थीटा की जगह पुट कर देते हैं टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि थीटा की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स पाई बाई टू, एक कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा जीरो, माइनस टू, और टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर होगा 13 में। सिंप्लीफाई करने के लिए एक्स को पुट करेंगे टेन थीटा, तो यहां से थीटा इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स ऑफ एक्स, क्योंकि ये इस तरफ आएगा तो टेन इनवर्स एक्स बन जाएगा। पुट कर देते हैं यहाँ पे, एक्स को हमें रिप्लेस कर देना है टेन थीटा से, जहां भी एक्स नजर आ रहा है उसकी जगह लिखेंगे टेन थीटा, तो ये बनेगा टू टेन थीटा अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन टू थीटा का, साइन से कोस को तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या करते हैं इसे कोस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये बनेगा कोस इनवर्स ऑफ कोस पाई बाई टू माइनस टू थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखा, पाई बाई टू पे वैल्यू क्या होती है कोस से साइन में चेंज हो जाती है, तो ये वैल्यू बनी पाई बाई टू माइनस टू थीटा, इसके अंदर पुट कर देते हैं थीटा की वैल्यू, तो पाई बाई टू माइनस टू थीटा, थीटा हमारे पास इक्वल आ रहा है टेन इनवर्स एक्स के। यहां तक तो हमने क्या किया, इसे जस्ट सिंप्लीफाई किया, इतना काम आप चैप्टर टू में भी कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन निकालते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा पाई बाई टू का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा जीरो माइनस टू, और आपके पास टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर।